हेलो फ्रेंड्स, माय नेम नितेश कुमार सा। आज हम बात करेंगे एंगल गेज के बारे में, जो कि मेट्रोलॉजी का एक चैप्टर का ही हिस्सा है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें हम क्या कहेंगे आपको, जो भी आपका मेट्रोलॉजी या आप जो भी इसको मेट्रोलॉजी कहते हैं या मेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है, तो उसका मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया। जाके आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए, उसमें पूरा का चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, ठीक है। और यदि आपको ओनली इंग्लिश में नोट्स चाहिए, ठीक है, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसके लिए कोई रुपया नहीं लगेगा, कोई पैसा आपको नहीं देना होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तभी लिंक दे पाऊंगा जब आपका सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर होगा। मेरा कोई यहाँ पे रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये यूट्यूब का रूल है कि आप किसी भी लिंक को तब तक शेयर नहीं कर सकते जब तक कि आपके सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 1000 होगा तभी आपका आधार या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन होगा यूट्यूब पे, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए एंगल गेज के बारे में, इसमें कुल 18 पत्तियाँ होती है, ठीक है। 18 पत्तियाँ होती है जो कि अलग अलग एंगल पर बनी होती है, और ये सभी पत्तियाँ एक होल्डर में स्क्रू के द्वारा फिट रहती है, ठीक है, फिट रहती हैं। और चलिए आगे इसके बारे में क्या बता रहा है। देखिए, इसमें आंकिक प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछ सकता है। देखिए, स्क्रू गेज के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हमने कंस्ट्रक्शन बता ही दिया है कि इसमें 18 पत्तियां होती है, अलग अलग एंगल पर बनी होती है, और ये सभी पत्तियां होल्डर में स्क्रू के द्वारा फिट रहती है, ठीक है। और देखिए, इसमें आप ऐसा ही फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है। हो सके तो पेंसिल का यूज करिएगा, ठीक है, और अच्छे से पेंसिल और स्केल का यूज करिएगा, ठीक है। और चलिए, इसमें आपको इससे संबंधित आपको आंकिक प्रश्न एकदम इजी होता है। आंकिक प्रश्न इसी वही पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आंकिक प्रश्न में आपको क्या नोमेरिकल प्रश्न में क्या पूछ सकता है। जैसे कि फिगर में आपको दिया गया है, ठीक है, कि फिगर में दिए गए एंगल गेज को कितना डिग्री पर सेट किया गया है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, 27°9′ और आपका 3′-, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले उसको नोट कर लो, जितना है उतना बड़ा लाइन नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, कहीं दोनों अंत में डबल डैश वाला है, दोनों निगेटिव है, उनको जोड़ लेना, यानी कि 27°9′ और उसके कोमा आपका -9″, ठीक है। तो डबल कोमा जब आपने लगाया तो देखिये -9, और चूंकि एक बार यदि आपका डैश लगाते हो, जैसे 9 के पावर यदि सिंगल डैश है तो वो आपका 60° के बराबर होगा। तो उसके नीचे आप देखिए 27°8′ और प्लस 60° और माइनस उसमें से 9′ घटा लेंगे, और उसी प्रकार आपका अंतिम आंसर आ जाएगा 27°8′ प्लस 51° आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। यदि हो रहा है तो मैं चलिए एक बार और इसको आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप शुरू से आइए, 27°9′ और -6′ और -3′। चूंकि देखिए -6 और -3 दोनों ही डबल डैश है, इसलिए इनको आप इजीली जोड़ के -9′ कर सकते हैं, बराबर में दिया गया है, ठीक है। 27°9′ और -9′। अब आप इस बात को आगे से ही जानते हैं कि 1′ बराबर यानी कि 1′ बराबर आपका 60′ होता है, ठीक है। तो यहीं पे हमने क्या किया कि ये जो 9 था, 9 को हमने क्या किया, इसमें से एक काट लिया, ठीक है। और नीचे आपको दिया गया 27°8′ और माइनस आपने 1′ को काटा है, तो 1′ बराबर 60′ होता है। तो आपका देखिए प्लस में क्या किया गया, 60′ और -9′, और 60 में से -9′ को घटा लीजिए और उसके बाद आंसर नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक क्या है उसको भी देख लिया जाए, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में करीब 2 टॉपिक आपसे पढ़ा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे डिफिनेशन है मेट्रोलॉजी का, ठीक है। एक ऐसा मेजरमेंट की साइंस है, ठीक है, ये एक मेजरमेंट की साइंस है, सबसे खास बात, ठीक है। एक ऐसी मेजरमेंट की साइंस है जिसमें किसी प्रोडक्ट के एक्यूरेसी का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें किसी प्रोडक्ट के एक्यूरेसी का मेजर करते हैं, और प्रेसिजन जो होता है, प्रेसिजन इससे इस बात का पता करते हैं कि करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से कितना क्लोज है, ठीक है। यानी कि जो अभी आप अभी तत्काल में आप किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू जो है पिछली बार जो भी आपने मेजर किया था उसके कितना क्लोज है, यानी कि उसका वो कितना निकट है, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति थ्रू
ट्रू वैल्यू पर शूट कर रहा है, ठीक है। जैसे ट्रू वैल्यू यहाँ पे नीचे आपका फिगर में दिखाया गया, ट्रू वैल्यू पे शूट कर रहा है, शूट कर रहा है, बट पहली बार वो पहली बार में उसका निशाना एक पर लगा तथा दूसरी बार में दो पर लगा, और तथा सेकेंड शूट में आपका फर्स्ट शूट की वो अपेक्षा ट्रू वैल्यू के निकट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे ए, तथा सेकेंड शूट फर्स्ट शूट की अपेक्षा ट्रू वैल्यू के निकट है। सेकेंड ट्रू आपका सेकेंड सेकेंड शूट जो आपने किया है, यानी कि सेकेंड दागा आपका गोली दागा है, वो आपका फर्स्ट के अपेक्षा आपका ट्रू वैल्यू के निकट है, ठीक है। यही यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। प्रेसिशन में हम इसी बात का हम कंपेयर करते हैं कि जो अभी तत्काल में आपने शूटिंग किया है या शूट कर रहे हैं या आपका जो भी टारगेट बना रहे हैं वो पिछले की अपेक्षा आप उसमें सुधार कर रहे हैं या और भी बेकार हो रहा है, ठीक है। इसी बात का हम इसमें पता करते हैं, ठीक है, ठीक है। और देखिए एक्यूरेसी में क्या होता है कि एक्यूरेसी में क्या होता है कि आपने आपने जो जो आपका जैसे आपका ट्रू वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू उसके आपने जो जो भी शूटिंग किया है वो ट्रू वैल्यू से कितना निकट है, कितना क्लोज है, ठीक है। इसी बात का हम एक्यूरेसी में करते हैं, हमें इसमें प्रीवियस से कोई मतलब नहीं होता एक्यूरेसी में। इसी बात को आपके बताया जाएगा, इससे हमें इस बात का पता चलेगा कि करंट वैल्यू ट्रू वैल्यू में कितना क्लोज था, ठीक है। हमें इसमें दो ही चीजों से मतलब होता है, करंट वैल्यू और ट्रू वैल्यू, और उसमें कई सारी चीजों से, ठीक है। उसमें हमें आपका करंट वैल्यू और ट्रू वैल्यू में हमें कोई पता नहीं होता, उसमें हम क्या करते हैं कि करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू कैसा था, इससे हम के आप हमारे में सुधार हो रहा है कि नहीं कि और बेकार हो रहा है, इसी बात का हम पता करेंगे, ठीक है। सो एक्यूरेसी और आपका जो प्रेसिजन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरे प्लेलिस्ट को आप चेक कर